जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, आज का वीडियो जो है आपके लिए वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज आप लोग को जो है केमिस्ट्री के एक यूनिट है जिनका नाम है पी ब्लॉक, ठीक है, यूनिट 7, जिनका नाम क्या है पी ब्लॉक, यानी इस यूनिट के जो है आपको क्या करने वाले हैं 5+ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। और ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2023, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार बोर्ड से हैं उन सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है बाबू, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। सारा क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपका है HF, HCl, HBr एवं HI में सबसे प्रबल अवकारक कौन है, अवकारक कौन है, ठीक है, कौन है। ये क्वेश्चन 2021 में आपका आया हुआ है, यानी HF, HCl, HBr एवं HI में सबसे प्रबल अवकारक आपको बतलाना है इन चारों में से कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया हुआ है, हो सकता है कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो इनको भी आपका क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, PS3 से NH3, ठीक है, का आबंध कौन बड़ा है, आबंध कौन जो है क्या है बड़ा है, ऐसा क्यों, यही आपका प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, यानी PS3 से जो है ना NH3 का जो है आबंध कौन जो है बड़ा है, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन जो देख रहे हो तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन आपका है, बताइए, आपको बताना है, बताइए क्यों NH3 का क्वथनांक PS3 से ज्यादा है। ये क्वेश्चन 2015-2013 में आया हुआ है, यानी बताना है आपको कि NH3 का क्वथनांक जो है PS3 से ज्यादा क्यों है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2013 और 2015 बिहार बोर्ड में आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा क्वेश्चन जो है आप सबों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका तीसरा है, बताइए क्यों NH3 का क्वथनांक PS3 से ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है HI, HF से सबल अम्ल है क्यों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, HI जो है HF से सबल अम्ल है क्यों। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 हो गया, 2017 हो गया, 2015 हो गया, 2014 हो गया, 2013 हो गया, 2010 हो गया, बिहार बोर्ड में आया हुआ है, 15, 17, 14, 18, 13, 10, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, कंप्लीट कर लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख ही लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच आपका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, H2O एक द्रव तथा H2S गैस है क्यों, ठीक है, गैस है क्यों, यानी H2O जो है एक द्रव है तथा H2S गैस है क्यों। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका शायद जो है 2000 ये आपका 12 में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो है शायद आपका 2012 में आया हुआ है। अगला देखिए, क्वेश्चन था आपका H2O एक द्रव तथा H2S गैस है क्यों, ये क्वेश्चन 2012, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, कमरे के तापक्रम पर H2S एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है, व्याख्या करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2011 और 2009 में आया हुआ है, कमरे के तापक्रम पर H2S एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है, व्याख्या करें, ये क्वेश्चन 2011-2019 में आपका आया हुआ है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज के वीडियो में जो है पी बोला यूनिट 7 से आज आप लोग को 5+ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद।